हेलो सदगुरु मैं ए बी डिविलियर्स और मेरा आपसे सवाल है कि अगले हफ्ते लॉटरी में कौन सा नंबर खुलेगा <laughs> मैं मजाक कर रहा था मैं पूरी संजीदगी के साथ पूछ रहा हूँ कि हम साउथ अफ्रीका वासियों का हम भारत और साउथ अफ्रीका वासियों का इतिहास बड़ा परेशानियों से भरा रहा है रंग भेद और जातिवाद हिंसा का इतिहास मेरा आपसे सवाल यह है कि हम अपने इतिहास को कैसे सुधार सकते हैं उसे बिना भूले कैसे सुधार सकते हैं और अगर सुधार नहीं सकते तो कैसे सभी दक्षिण अफ्रीका वासियों की मानसिकता पॉजिटिव और आशावादी कर सकते हैं जिसमें देश को बदलने और इसे बेहतर बनाने की सोच हो मैं वास्तव में मानता हूं कि हम एक देश के रूप में सबल और शक्तिशाली राष्ट्र हैं, और हम एक मत हो जाएं, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं लेकिन हम यह कैसे कर सकते हैं धन्यवाद ए के बारे में मैं आखिर में बात करूंगा अगर मैं अभी आपको नंबर दे दूंगा तो अगर लोगों को पता चल गया कि आपने लॉटरी जीती है तो आप खतरे में पड़ जाओगे अगर आपकी जेब खाली है और आप यह घोषणा कर दो कि मैंने लॉटरी जीती है तो बहुत संभावना है कि आप पर हमला हो जाए और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आगे भी बॉल पर हमला करते रहें <laughs> मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां भारत में भी लोग आपकी बैटिंग को पसंद करते हैं सिर्फ उस समय को छोड़कर जब आप भारत के खिलाफ बैटिंग करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अफ्रीका के लिए ड्रेस पहन ली है दुर्भाग्य से मानव समाजों में कई दुखद भयानक और खराब घटनाएं हुई हैं या कहें कि की गई हैं लेकिन यही मानव इतिहास रहा है हर देश के इतिहास में दर्द भरी भयानक और खराब परिस्थितियों का इतिहास रहा है हो सकता है साउथ अफ्रीका का इस दर्द में हिस्सा दूसरों के मुकाबले ज्यादा रहा हो अफ्रीका निश्चित रूप से एक अद्भुत महाद्वीप है अफ्रीका पिछले 200 वर्षों में अत्याधिक दर्द और पीड़ा से गुजरा है और कई भागों में आज भी पीड़ा झेल रहा है अब इसका हल क्या है आगे कैसे बढ़ा जाए हम इतिहास को कैसे सुधार सकते हैं जिसको हम इतिहास कहते हैं उसका अब अस्तित्व नहीं है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते वो दुनिया में मौजूद नहीं है इसीलिए हम उसे ठीक नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे दिमाग और दिल में मौजूद है दर्द भरा इतिहास जो दुनिया के कई देशों ने झेला है भारत ने भी झेला है वो अब मौजूद नहीं है लेकिन हमने उसे अपने दिमाग और अपने दिल में जिंदा रखा हुआ है निश्चित रूप से हमें इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि यदि हम इसे भूल गए तो हो सकता है हम खुद को फिर से उसी गड्ढे में गिरा दें लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर सकते जो मौजूद नहीं है या जो गुजर चुका है वो हजारों लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जो शहीद हुए अपने देश की आजादी के लिए और दुनिया में देश को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उनका योगदान जाया नहीं जाना चाहिए महान नेता जैसे स्टीव बीको नेल्सन मंडेला यदि उनका योगदान बेकार न जाने देना है तो यह आवश्यक है कि साउथ अफ्रीका के लोग यह समझें कि इसका केवल एक ही रास्ता है हमारे अनुभव की प्रकृति कुछ भी रही हो अच्छी बुरी या भयानक यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे समझदारी में बदलते हैं या एक घाव में यदि हम उसे अपने भीतर एक घाव में बदलते हैं तो आपके अनुभव में जो हो चुका है दुर्भाग्य से उसे जिंदा रखा हुआ है तो हम घायल बने रहना चाहते हैं या उसमें से समझदारी लेना चाहते हैं यदि हम उसमें से समझदारी लेते हैं तो हम भविष्य को सुधार सकते हैं कृपया इतिहास को सुधारने का प्रयास न करें इतिहास को सुधारने का अर्थ है हेरा फेरी इतिहास को फिर से लिखना और कहना कि सब कुछ बढ़िया था नहीं सब बढ़िया नहीं था वो भयानक था लेकिन हम भविष्य को सुधार सकते हैं भविष्य को सुधारने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है हमें योजना बनानी है तैयारी करनी है और भाग लेना है जिसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं उसके लिए लेकिन यदि हमने उसे घाव बना लिया तो हमारे पास योजना बनाने की बुद्धिमत्ता तैयारी के लिए पूर्व विवेक और भागीदारी के लिए ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि हमारा दर्द सब कुछ खराब कर देगा जो हो चुका है उससे परेशान मत रहिए आइए हम सब मिलकर साउथ अफ्रीका के लिए एक बेहतरीन भविष्य बनाएं जो कि एक अद्भुत देश है और लॉटरी के बारे में मैं लॉटरी का नंबर आपको दे सकता हूं लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप बॉल को ठीक से हिट करते रहें तो आप लॉटरी को हिट कर लेंगे <laughs> तो मैं उत्सुकता से अप्रैल में वहां आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं आपसे मिलने की आशा है यह भी बहुत अच्छा लगा देखते हैं मेरी गुगली को आप झेल पाते हैं या नहीं